हेलो गाइस, आज हम आपको भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर लाल घाटी के समीप गुफा मंदिर में लेके चलते हैं। इस गुफा मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, ये शिवलिंग प्राकृतिक रूप से निकली हुई है। इसे बनाया नहीं गया था। 1956 के अंदर स्वामी नारायण दास जी नामक स्वामी यहाँ आए थे। इन्होंने यहाँ जो शिवलिंग निकली थी, इसको देख के यहीं पे पूजा अर्चना करना स्टार्ट किए थे, और उनकी भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा थी। इसी श्रद्धा को देखते हुए गांव वालों ने भी इनका सहयोग किया, और इनके सहयोग से यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। जो गुफा के अंदर शिवलिंग बनी थी, वहाँ गुफा में एक आदमी का जाना ही बहुत मुश्किल था। उस मंदिर की गुफा मंदिर में पूजा अर्चना करना, और उसके बाद में थोड़ा पहाड़ी को थोड़ा काट के मंदिर का निर्माण कराया गया था। यहाँ बताते हैं यहाँ के पुजारी, जो भी व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ के जल अभिषेक करता है, उसकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। यहाँ भगवान भोलेनाथ किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। जो भी आता है भगवान भोलेनाथ के शुद्ध मन से जल अभिषेक करता है, उसका बेड़ा पार होता है। यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है, और धीरे धीरे फिर यहाँ पे एक संस्कृत महाविद्यालय भी स्थापित की गई है इसी मंदिर के अंदर, और गौशाला भी है, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की सुविधा इस मंदिर के अंदर स्वामी जी ने उपलब्ध कराई है गांव वालों के सहयोग से। और भगवान परशुराम, माँ भगवती और भगवान बजरंगबली, सभी के मंदिर यहाँ बना दिए धीरे धीरे। तो दिखाते हैं वीडियो में, बना रही वीडियो के अंत तक। ये करीबन जो ये सीढ़ियाँ है, ये 60 से 70 सीढ़ियों के करीबन ये सीढ़ियाँ है। बहुत ही प्यारा मंदिर है। इस मंदिर में आने के बाद में और किसी मंदिर में जाने का मन नहीं करेगा। सभी भगवान इसी मंदिर के अंदर विराजमान हैं। ये संस्कृत महाविद्यालय है जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे अभी। यहाँ पे हर दिन 300 से 400 भक्तगण भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर टूरिस्ट। मैं अभी नाइट के अंदर आया हूँ, तो थोड़ा व्यू थोड़ा हम देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। और दिन में भी आके यहाँ का एक वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आपको, इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इस मंदिर का नज़ारा दिखाएंगे दिन का भी। मुझे नाइट के अंदर सफ़र करना अच्छा लगता है, इसीलिए अभी नाइट के अंदर आया हूँ मैं मंदिर में। अभी कराते हैं भगवान के दर्शन। तो फाइनली मंदिर के अंदर पहुँच गए। ये जो सामने मंदिर देख रहे हो, ये भगवान राम का मंदिर है। ये पहाड़ी को काट के बनाया गया था बाद में। यह है गुफा मंदिर जो सामने देख रहे हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। यह है गुफा मंदिर। ये पुजारी जी यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। जय गुफा वाले महादेव की जय हो। तो आके विजिट करें, बहुत ही प्यारा मंदिर है यहाँ पे।
ये हैं भगवान विष्णु की मूर्ति, यहाँ से शेषनाग पे लेट रखे हैं और साथ में लक्ष्मी माता इनके पैर दबा रहे हैं। ये है कुंड, इसके अंदर 24 घंटे पानी इस पहाड़ी से आता रहता है। ये भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से यहाँ किसी भी मौसम में ये पानी रुकता नहीं है। ये जो सामने शिवलिंग है, अभी रात के टाइम आपको दिख नहीं रही है, वाइट वाइट दिख रही है, वो शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ की। इसके ऊपर और पानी गिरता रहता है 24 घंटे। तो यहाँ के विजिट करें और साक्षात भगवान के दर्शन करें। ये है परशुराम जी का मंदिर, पास में ही परशुराम जी का मंदिर है एक कुंड के पास में। यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा नज़ारा है। यहाँ इस मंदिर में आके ऐसा लगता है सभी भगवान इसी मंदिर के अंदर विराजमान हैं और हमारे सामने विराजमान हैं। अपने अंतरात्मा से देखेंगे तो यहाँ सभी भगवान एक ही जगह विराजमान हैं। ये बाहर का नज़ारा है कुछ मंदिर का। यहाँ लिफ्ट लगा रखी है जो अभी बंद है। तो इस मंदिर के अंदर गांव वालों के बहुत ही सहयोग से यहाँ पे बहुत ही डेवलपमेंट कर दिया मंदिर को। भोलेनाथ के चमत्कार हैं यहाँ पे, साक्षात भगवान यहाँ वास करते हैं, तो पूरी सुविधा तो बनती है इस मंदिर के अंदर। इस प्रकार का मंदिर विश्व के अंदर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये माँ भगवती का मंदिर है। जय गणेशाय नमः। हाँ, जय गणेशाय नमः। इस प्रकार का मंदिर मैं पहली बार देख रहा हूँ गाइस। एक तरफ रिद्धि, एक तरफ सिद्धि, जो कि गणेश जी की दोनों पत्नियां हैं। इस प्रकार का मंदिर ये मैं भोपाल के अंदर पहली बार देखा हूँ। हमारे राजस्थान के अंदर तो गणेश जी का मंदिर इस प्रकार का नहीं होता, केवल गणेश जी की मूर्ति होती है। रिद्धि सिद्धि जो इनकी वाइफ है, इनकी साथ में मैंने कहीं मूर्ति नहीं देखी राजस्थान के अंदर, यहीं पर मूर्ति देखी है। और जो भगवती माता की जो आपने मूर्ति देखी थी अभी, हमारे राजस्थान के अंदर लाल साड़ी के अंदर माँ भगवती के वस्त्र धारण होते हैं, यहाँ पे नीले वस्त्र धारण हैं। यह है बजरंग बली हनुमान जी का मंदिर। जो ये सामने जो फोटो देख रहे हैं, जो तीन गुरुजी जो है, इन्होंने ही इन मंदिर का पूरा निर्माण कराया है। स्वामी नारायण दास जी के आशीर्वाद से धीरे धीरे फिर इनसे गांव वाले जुड़ते गए, और जो अभी तीन जो गुरुजी है, इनके बाद के दो गुरुजी इनके चेले बने, फिर ये भी इनकी पूजा करने लगे मंदिर के अंदर। धीरे धीरे इन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। बहुत पवित्र जगह है ये। तो पूरे मंदिर देख लिए, अब चलते हैं वापस। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।
और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन को दबा प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ की। थैंक यू।